खबर रीवा जिले से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल विगत दिनों कार के अंदर चोर सोते हुए पकड़ा गया था, जिससे पुलिस ने पूछताछ किया तो बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अन्य बदमाशों को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ पर कई बाइक और फोर व्हीलर वाहन पकड़ में आ गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस दुकान संचालक को हिरासत में लिया है, जिसके गोदाम में रखे पार्ट्स बरामद हुए थे। आपको बता दें कि समान थाना क्षेत्र से कार चोरी करने वाले अतुल सोनी निवासी उमरी व संकल्प द्विवेदी निवासी रामनगर जिला सतना को हिरासत में लेने के बाद चोरी के वाहन जहां बरामद हुए हैं, वहीं वाहनों को बिकवाने वाला भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आइए आपको ले चलते हैं पुलिस कंट्रोल रूम, जहां पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग चार पहिया वाहन चोर गिरोह और साथ ही साथ उसमें कई टू व्हीलर्स भी उनके द्वारा चोरी की गए, उसका खुलासा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम शहर के एक नागरिक का धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने सजगता बरतते हुए, सतर्कता बरतते हुए अपने आसपास हो रही गतिविधि पर नज़र रखी और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। हमें उन्होंने सूचना दी कि उनके घर के पास एक गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी हुई है, संदिग्ध अवस्था में खड़ी हुई है। उसको डेवलप करते हुए ही हमारी टीम ने ये सफलता अर्जित की है। तो सबसे पहले तो मैं पुलिस का सहयोग करने के लिए उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आशा करूँगा कि अन्य नागरिक भी अगर एक छोटी सूचना देते हैं तो उसको डेवलप करके हम लोग काफ़ी अच्छे परिणाम हम और हमारी टीम देने के लिए तत्पर है। घटनाक्रम में अभी तक हमने चार लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें मुख्य आरोपी अतुल और छोटू सोनी और संकल्प द्विवेदी हैं, दो उनके साथी भी हैं। अभी तक हमें 5 फोर व्हीलर गाड़ियां मिली हैं, इसमें वैगन आर, बोलेरो, पिकअप जैसी गाड़ियां हैं, साथ ही साथ टू व्हीलर भी मिले हैं हमको लगभग 6। अभी हम लोगों ने इनके PR लिए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके पिछले रिकॉर्ड भी हमने अभी इकट्ठे किए हैं और अभी अन्य जिलों में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके रिकॉर्ड मिल पाए और अगर इनके कोई घटनाक्रम वहाँ पर भी है उसको भी हम लोग अन्य जिलों से सीधी और सतना से संपर्क में हैं। अभी आपके सामने इतनी चीज़ों के साथ हम प्रस्तुत हैं और जो डेवलपमेंट होंगे हम आपको एक दिन बाद और भी उसमें शेयर करेंगे। सर चारों में कोई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूचना मिलने पर पहले छोटू और अतुल सोनी को हमने पकड़ा, उसके साथ ही संकल्प को उसकी निशानदेही पर सूचना पर पकड़ा गया, बाकी अन्य दो लोग भी उनके द्वारा दी गई सूचना से पकड़े गए हैं। अभी हो सकता है इनका अन्य कोई साथी भी हो जिसकी जानकारी अभी इनसे पूछताछ में मिलने की संभावना है। गाड़ियों की संख्या भी बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, तो अभी इस पर हमको काम करने में थोड़ा समय लगेगा। थैंक यू। एक आरोपी रहने वाला है अपने, दोनों रीवा जिले के ही हैं, रायपुर कटचुलियार और एक शहर के रहने वाले। नमस्कार, रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।